हेलो गाइस, पीएसजी कुमार यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अभी भी फेस्टिव सीजन सेल चल रहा है और गाइस इस सेल के अंदर रियलमी का ऐसा दो स्मार्टफोन है जो 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से सबसे तगड़ा वाला परफॉर्मेंस देता है। गेमिंग हो या मल्टी टास्किंग, आपको ये दोनों स्मार्टफोन से ही कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस, पहला स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन। फ्लिपकार्ट पर आपको ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 15,000 पर मिल जाएगा। दूसरा है गाइस Realme Narzo 50 Pro 5G, यह स्मार्टफोन आपको Amazon पर देखने के लिए मिलेगा और कार्ड ऑफर मिला के यह स्मार्टफोन भी आपको सिर्फ 15,000 के अंदर मिल जाएगा। सो इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आज गाइस हम देखेंगे Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन का एक बहुत ही धमाकेदार Free Fire Max गेमिंग परफॉर्मेंस। और गाइस दो दिन बाद मैं इस स्मार्टफोन का हैंड कैम Free Fire गेमिंग टेस्ट उसके साथ अनबॉक्सिंग वीडियो ले आऊंगा और कल गाइस मैं Realme 9 5G स्पीड एडिशन स्मार्टफोन का एक अनबॉक्सिंग वीडियो उसके साथ हैंड कैम Free Fire गेमिंग टेस्ट दिखाऊंगा। सो गाइस उस दोनों वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना, उसके साथ चैनल के पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे मेरा हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाएगा तुम्हारे पास। सो गाइस यहां पर देख सकते हो Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर Free Fire Max गेम इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले मैं इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी और ग्राफिक्स दिखा देता हूं। सो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहां पर सेंसिटिविटी देख सकते हो, जनरल 100 है और रेड डॉट 93 है और यह मेरा पर्सनल फेवरेट सेंसिटिविटी है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप आपके फोन के ऊपर रेड डॉट और जनरल सेंसिटिविटी कितना परसेंट रखते हो। उसके बाद गाइस डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद यहां पर ग्राफिक्स देख सकते हो, पूरा मैक्स कर दिया, उसके साथ हाई FPS शैडो हाई रेस जो कुछ है गाइस सबको गाइस यहां पर हाई पर सेट कर दिया, मतलब गाइस मैक्स लेवल के ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो अभी एक 4v4 क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट करते हैं और देखते फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर कितना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के मदद। अभी गाइस 4v4 क्लैश स्क्वाड मैच का पहला राउंड स्टार्ट हो गया है और पहले राउंड के अंदर मेरे हाथ में है M500 पिस्तल। सो देखते गाइस फोन का सेंसिटिविटी कैसा देखने के लिए मिलता है और M500 पिस्तल के मदद से हेडशॉट लगता है। So, मैं आप लोगों को सीधा फाइट सीन के ऊपर ले चलता हूं और फाइट सीन के ऊपर आने के बाद गाइस देख सकते हो सामने दो दो बंदा है। एक बंदे को ओपी वाला वन टाइम हेडशॉट मार दिया लेकिन लगता है इसको रिवाइव कर देगा। सो मैं पीछे से घूम कर जाता हूं। हां गाइस रिवाइव तो कर दिया, पीछे से घूम कर जाने के बाद यहां पर गाइस देख सकते हो तीन बंदा एक साथ आ गया है। सो यहां पर भी वन टाइम हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं। एक बंदे को गाइस देख सकते हो, ओ भाई साहब ओपी वाला 247 का वन टैप, दूसरे बंदे को भी गाइस 247 का वन टैप, मतलब गाइस दो दो बंदे को यहां पर बैक टू बैक में वन टैप मार दिया। सो यहां पर दो किल तो मेरे को मिल जाएगा लेकिन और भी दो बंदा जिंदा है। सो देखते गाइस और दो बंदा कहां है, अगर दो बंदे को मार दिया तो चार किल मेरे यहां पर हो जाएगा वन टैप हेडशॉट के मदद से। सामने और एक बंदा इसको 245 का वन टैप हेडशॉट। सो गाइस सेंसिटिविटी बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा खासा सेंसिटिविटी देखने के लिए मिल रहा है। तीन बंदे को यहां पर गाइस बैक टू बैक में वन टैप हेडशॉट मार दिया और तीन बंदे को मारने के साथ साथ पहला राउंड गाइस हम जीत गए। सो गाइस पहले राउंड के अंदर मेरे को इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिला है और बहुत बढ़िया देखने के लिए क्यों नहीं मिलेगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर है, उसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है, मतलब इंस्टेंट टच लेता है ये स्मार्टफोन और सेंसिटिविटी भी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। सो सेंसिटिविटी गाइस इस स्मार्टफोन के ऊपर कोई भी इशू नहीं है, लेकिन गेमिंग के लिए सिर्फ सेंसिटिविटी नहीं और भी बहुत सारे फीचर्स का जरूरत होता है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए और क्या क्या फीचर्स है ये भी एक बार देख लेते हैं। गाइस गेमिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन के अंदर सबसे पहले जो फीचर सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गाइस फोन का प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर अच्छा होगा तो डे टू डे मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। और इस प्रोसेसर के मामले में Realme Narzo 50 Pro 5G एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, क्योंकि गाइस आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 920 5G चिपसेट। और ये चिपसेट एक ऑक्टाकोर 64-bit का चिपसेट है जहां पर 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। उसके साथ इस चिपसेट के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो इस चिपसेट के अंदर आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा 5 लाख के ऊपर। उसके साथ फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा फैब्रिकेशन प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेसर का नैनोमीटर साइज जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतना ज्यादा हीट एफिशिएंस होता है, पावर एफिशिएंस होता है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी तगड़ा वाला निकल कर देता है। और इसके मामले में भी ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिर्फ 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंस है और हीट एफिशिएंस है, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा निकल कर देता है। सो गाइस प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। प्रोसेसर के बाद नेक्स्ट जो फीचर्स गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है वो है गाइस डिस्प्ले। और डिस्प्ले के मामले में भी ये स्मार्टफोन एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है
जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है गाइस 360 हर्ट्ज़। सो गेमिंग के लिए बहुत स्मूथ डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 20:9, पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स और स्किन टू बॉडी रेशियो 91%। उसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है इस डिस्प्ले के ऊपर। सो ये फीचर्स एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से। सो गाइस गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल है। उसके साथ गाइस नेक्स्ट फीचर्स की बात करें गेमिंग के लिए वो है गाइस बैटरी। और बैटरी के मामले में भी ये स्मार्टफोन पीछे नहीं रहता है, क्योंकि गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 5000 mAh का एक लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी। इसके साथ आपको बॉक्स के अंदर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का डार्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, जो गाइस एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स बोल सकते हो। इसके अलावा गाइस आपको इस स्मार्टफोन के अंदर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाता है। हैप्टिक फीडबैक बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर मोटर का सपोर्ट दिया गया है। और गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी है। अभी गाइस इस स्मार्टफोन का कैमरा फीचर्स की बात करें तो कैमरा के मामले में भी ये स्मार्टफोन पीछे नहीं है, क्योंकि गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा रियर साइड के ऊपर ट्रिपल रियर कैमरा सेट है, जहाँ पर मेन सेंसर 48 MP का, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP डेप्थ, और फ्रंट पर आपको देखने के लिए मिलेगा 16 MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर। सो गाइस ये था रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन बहुत ही बढ़िया है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिला है। अभी गाइस हीटिंग और लैगिंग की बात करते हो, फुल मैक्स ग्राफिक्स के साथ अगर आप 4v4 क्लैश स्क्वाड मैच खेलोगे तो वहां पर आपको कोई भी लैग और फ्लेम ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके साथ फुल मैप रैंक मैच के अंदर भी मैक्स ग्राफिक्स के साथ 4v4 मैच के अंदर लैग और स्टार्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर एक अच्छा खासा केपेबल प्रोसेसर है, गेम को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। और हीटिंग की बात करें तो गेम खेलते टाइम मैक्सिमम 44°C टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, लेकिन कूलिंग टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के अंदर है, जिसके वजह से 5 या 10 मिनट के अंदर ये स्मार्टफोन पूरा ठंडा हो जाता है, जो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अभी गाइस प्राइसिंग की बात करें तो अमेजोन गेट इंडियन सेल के अंदर इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 17,999 rupees। लेकिन गाइस सेल के रिगार्डिंग अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको इंस्टेंट 2,000 rupees का कैशबैक देने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ 1,000 rupees का कूपन कार्ड भी मिल जाएगा, मतलब गाइस 3,000 rupees का इंस्टेंट कैशबैक, और ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 rupees के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन एक किलर डिवाइस है। बैटरी, प्रोसेसर, सब कुछ इस स्मार्टफोन का बढ़िया देखने के लिए मिलता है। सो गाइस 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं अभी के टाइम पर रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।